हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सबने पिछली वाली वीडियोस देख ली होंगी सीरीज की। तो जो लास्ट वीडियो थी ना, मैंने उसे कमेंट सेक्शन में चार क्वेश्चन दिए थे, एज यूजुअल मैं हमेशा देता हूं। तो चलिए हम क्विकली एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था भाई, 62 का स्क्वायर टेक्निक याद है सबको। हमने बेस 50 लिया था, उसके अंदर हम क्या मेथड यूज करते थे? बेस का आधा कर दो, उसमें डेविएशन को जोड़ दो, पार्ट वन। और पार्ट टू था डेविएशन का स्क्वायर। तो 62 को भाई मैंने थोड़ा 50 + 12, बेस का आधा 25, डेविएशन थी हमारे पास 12 और सेकेंड पार्ट था डेविएशन का स्क्वायर। तो ये बन गया 37 पार्ट वन, एंड पार्ट टू बन गया मेरे पास भाई 144। मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर तीन डिजिट्स आ जाए टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, तीन डिजिट आ जाए तो आप वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को एज इट इज रखो, इस वाले को आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो ये बन गया भाई 3844। बाकी तीन क्वेश्चन, सेकेंड वाला था 43 का स्क्वायर, 50 - 7, बेस का आधा करो 25, उसमें डेविएशन जोड़ दो माइनस के साइन के साथ, मतलब 25 - 7। सेकेंड पार्ट डेविएशन का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई 1849। थर्ड था 48 का स्क्वायर, मतलब 50 - 2 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, बेस का आधा कर दो 25, उसमें डेविएशन जोड़ दो, डेविएशन -2। और पार्ट टू था डेविएशन का स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था पार्ट टू में कितने डिजिट होने चाहिए, दो डिजिट। तो ये बन गया भाई 2304। लास्ट क्वेश्चन 66 का स्क्वायर, तोड़ दो भाई 50 + 16 का होल स्क्वायर, बेस का आधा कर दो 25, उसमें डेविएशन जोड़ दो 16, पार्ट टू डेविएशन का स्क्वायर। तो ये बन गया भाई 25 + 16 दैट इज 41, एंड डेविएशन का स्क्वायर 256। 2 को कैरी कर दो, आंसर आ गया 4356। तो चलिए, हमने एक बार आंसर हमने डिस्कस कर लिए, अब हम जल्दी से क्विकली जंप करते हैं आज की वीडियो पर। तो चलो दोस्तों, हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि आज की टेक्निक, टेक्निक वन। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक कि हम जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पीछे हम क्या टेक्निक लगाएंगे और उसके पीछे की स्ट्रैटेजी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा। जल्दी से आज क्वेश्चन उठाते हैं। 52 × 58, क्वेश्चन है 52 × 58। अच्छा, मैं बता रहा हूं इस टेक्निक के अंदर एक चीज का हमें जिसका ध्यान रखना है, वो है कि ये जो दोनों नंबर हैं, ये और ये, कौन सी प्लेस है भैया, टेंस प्लेस। ये दोनों नंबर होने चाहिए सेम। क्या होने चाहिए भाई, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम। कौन से नंबर, दोनों नंबर के टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स रखे हैं, और जो वंस प्लेस पर हैं, ध्यान से देखो यहां पर है 2 और 8, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, 10। बात आई समझ, टेंस प्लेस वाले डिजिट होने चाहिए सेम और यूनिट प्लेस वाले डिजिट का सम होना चाहिए 10। ये पॉइंट एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप टेंशन ना लो। सबसे पहले आप एक बार टेक्निक फोकस करो कि आप क्विकली इसे विद इन सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, जो आपका टेंस प्लेस पर नंबर लिखा है ना, उससे एक बड़े से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, आंसर के हमेशा दो पार्ट बनते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, जो इसके टेंस प्लेस पर नंबर है उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। लिख देते हैं 5 × 6, और पार्ट टू होता है वही, ये जो दोनों नंबर हैं जिनका सम क्या है, जिनका सम 10 है, उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बस क्या करो, 2 ×
8, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया भाई 3016, वन लाइन के अंदर आपका आंसर। क्या बताया मैंने, टेंस प्लेस वाले डिजिट सेम होने चाहिए, यूनिट प्लेस वालों का सम क्या होना चाहिए भाई 10। तो टेक्निक क्या कहेगी, टेक्निक कहेगी पार्ट वन के अंदर, पार्ट वन के अंदर टेंस वाले डिजिट के एक बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट प्लेस वाले और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, दोनों यूनिट प्लेस वालों को मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दो। तो आंसर आपका बन जाएगा इस केस में 3016। चलो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 103 × 107। मैंने आपको दो चीजें यहां पर लिखी है, टेंस प्लेस डिजिट शुड बी सेम। ये चीज याद रखना, इस टेक्निक की खास बात क्या है कि जो टेंस प्लेस के डिजिट्स हैं, मतलब यूनिट प्लेस को छोड़कर जो आगे डिजिट हैं, वो क्या होने चाहिए भाई सेम, और सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस शुड बी इक्वल टू 10। 3 और 7 का सम कितना होगा, 3 + 7 = 10। ये दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अब लग जाएगी हमारी ट्रिक। ट्रिक कहती है ये जो डिजिट है यूनिट प्लेस को छोड़कर जो दो जो हमारे दो जो हमारे डिजिट्स हैं उनको एक बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10 × 11, और पार्ट टू बन जाएगा इन दोनों डिजिट्स को, ये जो यूनिट प्लेस के डिजिट्स थे इनको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 × 7, ये बन जाएगा हमारे पास 110 एंड दिस कम्स आउट टू बी 21। कोई शक नहीं होना चाहिए। ये देखो भाई थर्ड क्वेश्चन, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जल्दी जल्दी कंप्लीटली 3 3 सेम, 1 9 1 9 का सम 10, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ट्रिक लगाते हैं, 3 से 1 बड़ा क्या है भाई 4, और पार्ट टू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये बन गया हमारे पास 1 2 9 1 9। रुक जाओ, क्या बताया था पार्ट टू में दो डिजिट्स होने चाहिए ना, तो ये 9 कैसे बन गया, ये बनेगा भाई 12, और ये बनेगा हमारे पास 09। बात आई समझ, मैंने क्या बताया था यूनिट, ये जो हमारा पार्ट टू है कितने डिजिट्स होने चाहिए भाई इसके अंदर, दो डिजिट्स आ रहा है, अभी आ रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की आप टेंशन ना लो। ट्रिक पे देखो, ट्रिक क्या कह रही है, पार्ट टू में कितने डिजिट्स होने चाहिए भाई 2, तो इसका आंसर क्या बन गया 1209। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन, आ जाओ फटाफट आ जाओ, 52 × 58 टेक्निक लगाते हैं सबसे पहली बार। ट्रिक 52 × 58, ये बन जाएगा 5 से 1 बड़ा 6, और 2 × 8 कुल ये बन गया हमारे पास 3016। ट्रिक से आ गया भैया, ट्रिक से समझ आ गया, कॉन्सेप्ट बता दो बस हम जिसके लिए आए हैं, आ जाओ ना कॉन्सेप्ट बता दो ना, क्यों डर रहे हो, आ जाओ कॉन्सेप्ट। अब लगेगी आग, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ट्रिक बनी कैसे है। देखो भाई क्वेश्चन था 52 × 58, उठाओ क्वेश्चन उठाओ, क्या मैं इसको 50 + 2 × 50 + 8 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप करो ब्रैकेट ओपन, ये बन जाएगा 50 × 50 + 2 × 50 + 8 × 50 + 2 × 8, कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल मैंने ब्रैकेट ओपन करा है, एज इट इज आने दो 50 × 50, क्या बन गया ये 2 + 8 को अगर हम 50 को कॉमन ले ले, 2 + 8 = 10,
प्लस 2 इंटू 8, यहां से 50 को आप ले लो कॉमन, ये बन गया 50 प्लस 10 और ये 2 प्लस 8 एज इट इज चला रहा है, ये बन गया 50 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 8, कुछ दिखा? ये क्या बन गया भाई 50 इंटू 60, एक बड़ा नंबर दिख गया, 5 से एक बड़ा क्या था 6, इन दो जीरोस को तो आप थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दो, क्यों नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि ये जो आएंगे वंस और जो टेंस प्लेस पर आएंगे उनको पीछे से आने वाला 16 यहां कॉम्पनसेट कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, आप इसके एक बार अगर गहराइयों में आप घुस जाओगे टेक्निक के, अगर आप पीछे का मैकेनिज्म समझ जाओगे, ये क्या था ट्रिक बनी कैसे थी, ये बनी थी भाई, ये ट्रिक ऐसे बनी थी, ये ट्रिक बनी कैसे थी बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म से, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली 50 दैट इज सेम नंबर इंटू उससे एक बड़ा हो जाता है। अभी मैंने फील आई, रुको दिलाते हैं फील, मैंने क्या कहा था ये दो डिजिट्स होने चाहिए सेम कहा था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए भाई 10। एक बात ध्यान फरमाना, जो मैं बात कहता हूं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैंने क्यों कहा होगा कि दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, आज देखो कुछ दिखा, जब ये दोनों डिजिट सेम हैं तो क्या मेरे को कॉमन लेने में आसानी नहीं हो रही, दिख रहा है कुछ, क्या थे भाई दोनों डिजिट सेम थे तो मेरे को कॉमन लेने में आसानी हुई, मतलब अंदर क्या बन गया 50 प्लस 10, और मैंने ऐसा ही क्यों कहा था भाई इन दोनों का सम 10 क्यों होना चाहिए, इन दोनों का सम 10 क्यों होना चाहिए, इन दोनों का सम 10 क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली 10 क्या कर रहा है, वो उसको एक बड़ा कर रहा है, सपोज यहां पर 50 था ना तो इसने इसको 60 बना दिया, मतलब उसने क्या करा उसने उस नंबर को एक बड़ा कर दिया, कॉन्सेप्ट के पीछे का थोड़ा थोड़ा फील आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा था ये दो डिजिट्स होने चाहिए सेम, इन दोनों का सम होना चाहिए 10, ऐसा मैंने क्यों कहा था सेम क्यों होने चाहिए ताकि मेरा कॉमन निकालना आसान हो जाए, और 10 क्यों कहा था सम ताकि लास्ट में वो एक बड़ा डिजिट बन जाए, कॉन्सेप्ट का फील आया, और पीछे से ये आने वाला इसे तो कॉम्पनसेट कर ही रहा है, पीछे से आने वाला 8 टू द 16 यही तो आ रहा था पीछे से, तो मैं कर क्या रहा हूं इन दोनों को, तो मैं नेगलेक्ट वैसे भी करता आ रहा था अभी तक, क्यों क्योंकि वंस टेंस कॉम्पनसेट हो रहे हैं पीछे से आने वाले उनके कारण ए इंटू बी के कारण, सपोज अगर यहां पर ए इंटू बी है ये, फिर फाइनल आंसर बन गया 50 इंटू 60 दैट इज 3000 प्लस 8 टू द 16 विच कम्स आउट टू बी 3016 आंसर। अच्छा रुको रुको रुको, आपको ना परम ज्ञान की आवृत्ति कराते हैं, मतलब परम ज्ञान से आपको एक बार दर्शन आपके करा देते हैं, ये मैं कुछ दिन पहले कॉन्सेप्ट सोच रहा था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, इससे ही जुड़ा हुआ है, मैं कर रहा हूं 3 × 4 कूल, क्या मैं इसको 3 + 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, अब क्या मैं इसको 3 का स्केयर प्लस 3 लिख दूं, एक बार ध्यान से देखो, देखो 5 सेकेंड्स आपको दिए, 3 × 4 को मैंने क्या करा 3 × 3 + 1 3 स्क्वायर प्लस 3, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी आसान सी भी आपको चीज बता रहा हूं, पर अगर आपने ये नजरिए से सोचा तो आप इन टेक्निक्स के पीछे का राज अपना आप जान पाओगे, आप कहोगे आर्यन भैया आपने जो हमें कॉन्सेप्ट बताया हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और बना के देंगे, क्यों, क्योंकि हमें परम ज्ञान की आवृत्ति हो चुकी है,
देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नंबर को उससे एक बड़े से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। मैं एक नंबर को उसके एक बड़े से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। अब मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि मैं उसका एक और मतलब क्या है कि मैं उसी नंबर का स्केयर करके, आई रिपीट, कि मैं उसी नंबर का स्केयर करके उसको उसी में ही जोड़ दूं। एक बार बताओ कुछ थोड़ा बहुत, एक बार कुछ अमेजिंग से इसके अंदर आया टच। मैं एक नंबर को उसके एक बड़े से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका दूसरी भाषा में क्या मतलब हुआ कि मैं उसी नंबर का स्केयर करके उसमें उसी को जोड़ दूं। 3 × 4 का क्या मतलब हुआ, मैंने 3 का स्केयर करा और मैंने उसी 3 को इसमें जोड़ दिया। अब यहां देखो एक बार, ये हो रहा था भाई 5 × 6 फॉर द टाइम बीइंग, 5 × 6। तो मैं क्या कर रहा था भाई, अगर आप थोड़ी सी इसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ तो मैं इसको मैं 5 + 1 की फॉर्म में तोड़ रहा था, मतलब मैं उसी नंबर का स्केयर करके उसमें उसी को जोड़ रहा था। देखो आपने यहां से थोड़ी देर के लिए आप 0 ये नेगलेक्ट कर दो, 1 मिनट में पेन चेंज करता हूं, आप ये ना 0 अभी नेगलेक्ट कर दो बस 1 मिनट के लिए। देखो थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ, 5 × 6 था तो मैं क्या कर रहा था, मैं उसी नंबर का स्केयर करके उसमें उसी को जोड़ रहा था। मतलब आपको दूसरा पहलू समझ आया इस चीज का, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमें कितनी सारी विजुअलाइजेशन मिली कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे और इसके पीछे का एक और मैकेनिज्म कि अगर एक नंबर को हम उसके बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी नंबर को स्केयर करके उसमें हम उसी को जोड़ रहे हैं। एक नंबर को हम स्केयर करके उसमें हम उसी को जोड़ रहे हैं। तो ये एक एड ऑन कॉन्सेप्ट था, एक परम ज्ञान था। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये पर्टिकुलर एक एड ऑन टेक्निक भी अच्छी लगी होगी। आगे आ रही है और अमेजिंग वीडियोस आ रही है, जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और जाने से पहले अपना फेवरेट कोट, ज्ञानम परम बलम।